कि आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सुमन मजो का लगातार अपने चुनावी रण में कूद चुकी है, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिल रही है और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की है। तो कुछ बुजुर्गों ने अपने बया भी किया है कि भाई किस तरीके से, आप देख सकते हैं बुजुर्गों ने बया किया कि भाई आज तक यहाँ रामगढ़ विधानसभा में कैसी राजनीति हुई है उससे आप भलीभांति जानते हैं, भलीभांति उससे आप वाकिफ हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा जो सुमन मजोका जी हैं एसपी आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो लगातार तरीके से जो है उतर चुकी हैं। अच्छा ये तार की समस्या आरोपी है, पानी के तो है ही खूब है यहाँ पानी तो खूब है। अच्छा अच्छा ये समस्या, अच्छा ये तार की समस्या है, ठंडा तो नहीं मतलब। चलो मैं भी ये चाहती हूँ ना, ये तार का है चक्कर, चलो यहाँ से निकल रही है ना इसे। अच्छा 12,000 की खतरा है यार, कमर धन पे डोर पे हम खाट बिछा के बिना लौट रहे, जाना गिरे जाना। ये अब आपकी समस्या है ना, एक महिला महिला का दर्द जान सकती है ना, यही तो है। हाँ तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, महिला को लाना है। तो 13 तारीख को याद रखना, केतली सब जानते हैं, उसका बटन दबाना, ठीक है। चाय तो सभी पीते हैं, और चाय के बिना तो महिलाएं सुबह सुबह रह ही नहीं सकती, और चाय भी हम केतली में डालेंगे, और फिर केतली में डालेंगे तो सभी गिलासों में आएगी। पर हमारी समस्या पूरी होनी चाहिए, अब वहाँ की वजह की तैयारी, बिल्कुल हम तो अपना याद और जो इनका सिस्टम है क्या कहते हैं, ये सेट है 5 साल तुम कर लो 5 साल, ये हमारा जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता है ना उसकी तवज्जो भी नहीं होगा। आप जाते हैं ना तो कोई काम होता है ना कोई धंधा होता है, जाते हैं कल आ जाना परसों आ जाना, इस तरह की समस्या है। इसलिए हम लोग अपना लोकल कैंडिडेट है सुमन मजोगति को लाए हैं आजाद समाज पार्टी से, तो मेरा तो यही सबसे कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मत करें केटली के निशान पर करें सुमन मजोगति। धन्यवाद।